वेलकम टू माय चैनल ओप्स माय मॉम्स चैनल इन रियल लाइफ। तो आज की वीडियो में मम्मी का देंगे मेरा स्पा, तो जो कि आप टाइटल से जान ही चुके हैं। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मम्मी का एक छोटा सा पार्लर। तो यहाँ पे नीचे पार्लर और ऊपर हम रहते हैं, जिसका व्लॉग आप देखते ही रहते होंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं अलग से क्या बोलूँ, सब तो रिमी ने बोल ही दिया है। तो ये देखिए मेरा पार्लर, और यहाँ पे मेरा पहले किचन हुआ करता था, हम नीचे रहते थे। जब से हम ऊपर रहने लगे थे तब मैंने नीचे पार्लर खोल लिया, थोड़ा बहुत काम आता था। तो यहाँ पे मेरा पार्लर का ग्राहक का काम होता है, और रिमी का भी जब मेकअप करना होता है, हम बाहर जाते हैं तो यहीं पर मेकअप करते। और मैं आज रिमी का स्पा कर रही हूँ, हेयर स्पा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल गर्म करके लिया है, और इसे धीरे धीरे बालों पे मसाज करके लगाना है। हेयर स्पा करने से पहले ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बाल हमारा बहुत डैमेज होने लगता है। तो इसलिए मैंने ऑयल मसाज किया। और ये कोई मार्केट का हेयर स्पा क्रीम नहीं, मैं घर का जो भी मेरे किचन का है उसी चीज़ों से मैं हेयर स्पा करूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटी है इसलिए केमिकल वाला जो क्रीम है वो नहीं लगाऊंगी। वैसे मेरे पास है सब कुछ, लेकिन क्रीम नहीं लगा रही हूँ मैं, दही और हनी से करूंगी। तो 3-4 मिनट तक मैंने मसाज किया है तेल लगाने के बाद बालों पर, फिर आधा घंटा रहने देंगे। अगर 1 घंटा भी कभी हो जाता है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, जो हम हेयर वॉश करेंगे तो उसमें शैम्पू ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और शैम्पू ज़्यादा लगाने से हमारा हेयर कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा डैमेज होने लगता है। तो काफ़ी देर तक 3-4 मिनट तक मैंने अच्छे से तेल मसाज कर लिया है, और मैं आधा घंटा इसे छोड़ दूंगी। जब तक खेलती कूदती रहेगी तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, और आधा घंटा बाद फिर इसे थोड़ा सा स्टीम देना होगा बालों को। इसके लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया, और उसके ऊपर से एक बड़ा सा टॉवल रख के ऊपर से भी थोड़ा गर्म पानी डाल दिया, तो ये जो टॉवल है बहुत अच्छे से गर्म होगा, और यही बालों पे थोड़ा सा लगा के रखेंगे। तो इसमें जो भाप होगा इससे जितना स्टीम होगा इसी में हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो इसमें एक्सेस पानी है वो निकाल देते, और जितना गर्म हाथों को बर्दाश्त हो उतना रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और अब मैं ये बालों में लपेट के रखूँगी टॉवल, जब तक ये टॉवल मुझे गर्म लगे तब तक लपेट के रखूँगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट गर्म होगा, तो इतने में बाल बहुत तरोताज़ा हो जाएगा। ये देखिए टॉवल लगाते ही बहुत हंसी निकल रही है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ये गर्म गर्म भाप। तो थोड़ी देर रहने के बाद, लगभग मैंने 10 से 15 मिनट रखा था, क्योंकि ये टॉवल काफ़ी मोटा है तो ज़्यादा देर तक गर्म था। अब ये खुद ही हेयर वॉश कर रही है, इसके लिए थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें शैम्पू घोल के तब लगाएगी। इससे क्या होता है, शैम्पू थोड़ा कम भी चाहिए होता है और बालों पे अच्छे से लग जाता है, और जितना शैम्पू हम कम लगा सकते हैं उतना ही अच्छा है, शैम्पू कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। तो ये ऐसे शैम्पू लगा के फिर बाल धोएगी, और उसके बाद फिर कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर ज़रूरी है। और हेयर वॉश करने के बाद फिर ये मैंने दही लिया है 2 चम्मच, और इसमें 2 चम्मच फिर हनी डाला है, और इसे मिक्स करेंगे, और बालों में बिल्कुल पैक की तरह लगाना है, अच्छे से हर जगह लगना चाहिए, स्केल से लेके लेंथ तक। और इसे लगा के भी बहुत देर रखना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा, लेकिन मैंने इतनी देर नहीं रखा है कि ये नौटंकी लड़की को बदबू ना, हनी का अच्छा लगता है, इसे बदबू ही लगता है, और दही का भी 15 मिनट रखा है। और उसके बाद फिर इसे फिर से शैम्पू और कंडीशनर करना है, उसके बाद हेयर स्पा। ये देखिए हेयर स्पा करने के बाद बालों को सारा दुनिया खराब खराब सीनरी देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा।